एक टेबल स्पून तेल ऐड कर लेंगे, इसको गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, 5 से 6 हरी मिर्ची कटी हुई ऐड कर लेंगे इसमें। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद एक बड़े साइज के 5 प्याज ऐड कर रही हूँ मैं, इस तरह से कट करके रख ली हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम में रख के तल लेंगे। देखिए प्याज हल्की गुलाबी हो गई है, अभी इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक आधा टीस्पून ऐड कर लेंगे, अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हो। नमक ऐड करने के बाद आधा टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, अभी मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको 1 मिनट तल लेने के बाद इसमें अभी अंडे ऐड कर देंगे। देखिए अभी इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे, मैं इसमें 6 अंडे ऐड कर रही हूँ, अभी एक डाल चुकी हूँ। देखिए सारे अंडे हम इसमें अभी ऐड कर देंगे, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हाई फ्लेम रख के इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, नीचे से चिपक सकता है ये, इसलिए। मिक्स करने के बाद इसमें धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे, एक मुट्ठी भर धनिया पत्ता कटा हुआ ऐड कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से हाई फ्लेम में इसको 5 मिनट तल लेंगे। देखिए अभी 5 मिनट तलने के बाद अभी ये बन के तैयार है, इसको सर्व कर लेंगे।